हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो के अंदर जो मैं रेसिपी आज बना रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और एक टिकट में दो के मज़े हैं। हम बनाएंगे जी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और उसके साथ जी ब्रेड, चिकन ब्रेड जो होती है। तो एक ही प्लेटर के अंदर आपको दो जायके मिल जाएंगे। टू फिलिंग्स इसके अंदर मैंने बनाई थी, और सबसे पहले जो पहली फिलिंग है वो है टिक्के मसाले की फिलिंग। लहसुन ऐड किया है, दही मैंने इसके अंदर ऐड किया है, टिक्का मसाला ऐड किया, नमक, लाल मिर्च और हल्दी ऐड किया है इसके अंदर। और उसके बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और मैंने इसके अंदर चंक्स ऐड कर दिए चिकन के दूंगी। साथ ही मैंने ऐड किया है जी रेड फूड कलर और बस क्रीम भी ऐड कर दी। इससे बड़ा रिच सा टेक्स्चर आ जाता है। क्यूब्स में काट लिया था मैंने चिकन को, ये तकरीबन हाफ के जी चिकन है, बोनलेस चिकन है इसको। और इसको अब हम रख देंगे हाफ आवर के लिए मैरिनेट करने के लिए, ताकि मसाले सारे अच्छे से इसके अंदर मैरिनेट हो जाए। मीनवाइल मैं बनाऊंगी डो पिज़्ज़ा की। मैंने 2 कप जो है इसके अंदर ले लिया मैदा, और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ खमीर, इंस्टेंट ईस्ट और नमक और शुगर, और इसके अंदर जाएगा 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से ज़रा ये उसका टेस्ट ज़रा अच्छा आ जाता है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें और पानी के साथ इसको गूंद लें, और पानी होना चाहिए नीम गरम। नीम गरम पानी से गूंदने के बाद अब हम इसको गरम जगह के ऊपर प्रूफ होने के लिए रख देंगे उसको। और अब आ जाते हैं जी चिकन की तरफ। मैंने ऑयल डाला और उसके अंदर मैंने डाल दिया है जी चिकन, और इसको हम अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। पहले तो इसको स्लो फ्लेम के ऊपर आपने कुक करना है, एंड देन आप इसको कवर करके 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे, और 5 to 10 मिनट्स के लिए, जब तक ये चिकन अच्छी तरह से गल ना जाए। तो बस जी ये इसकी कुकिंग बड़ी आसान होती है, मैरिनेट करके रख दें तो फटाफट से ये कुक हो जाता है। और देखें जी बड़े अच्छे तरीके से गल गया ये, और हमारा ये एक फिलिंग जो है रेडी हो गई। सेकेंड पिज्ज़े के ऊपर उसकी बनाते हैं जी फिलिंग, और इसके अंदर मैंने ऐड किया है जी लहसुन और पहले से बॉयल और श्रेडेड चिकन इसके अंदर ऐड किया है। इसके बाद जी इसको ऑयल और लहसुन के साथ अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उसमें मैं फिर ऐड करूँगी सब्जियाँ, जो भी आपका दिल करता है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च और प्याज ऐड किया है। 2 मिनट के लिए उसको सोते करेंगे, और उसके बाद जी ऐड करेंगे इसके अंदर मक्खन और क्रीम और दही। इससे जो बड़ा अच्छा सा मक्खनी सा टेस्ट आता है। और उसके बाद जी मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी मसाले, जिसके अंदर जाएगा जी नमक, लाल मिर्चें, हल्दी और ज़ीरा, और जो भी आप ऐड करना चाहें। तो मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड की थी इसके अंदर, और जी अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और जी ये हमारी फिलिंग हो गई है जी रेडी। और अब हम आ जाते हैं पिज़्ज़ा डो की तरफ। पिज़्ज़ा डो जो है हमारी राइज हो गई है, बस इसको हम बेल लेंगे। जो ये वाला पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ इसकी साइड्स पे हम फिलिंग करेंगे इसकी, और सेंटर में हम फिलिंग करेंगे टिक्का चिकन की। तो जी 2 फ्लेवर्स आएंगे हमें इस पिज़्ज़े के अंदर, मीन्स वो जो चिकन ब्रेड बनाई जाती है साइड्स पे होगी वो वाली ब्रेड, और बीच में होगा जी पिज़्ज़ा। तो कोई भी राउंड आप बाउल या प्लेट ले लें, उसकी आपको हल्की से निशान लगाना है, उस निशान के बाहर हमें इसको कट करना है इस तरह। सारी स्ट्रिप्स को हम इस तरह से कट कर लेंगे। देन इसके अंदर मैंने मायोनीज भी ऐड की थी, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए। और इस फिलिंग को हम रख देंगे, वो जो हमने निशान लगाया था उसके अंदर अंदर रखना है, गुलाई के अंदर, ताकि हमारे इस पिज़्ज़े की जो शेप है वो ख़राब ना हो और राउंड शेप आए। अंदर की तरफ लगाएंगे जी हल्का हल्का सा पानी, ताकि हम जो स्ट्रिप्स इसके अंदर डालेंगे वो अच्छे तरीके से इसके साथ चिपक जाएं। तो जी ये है जी शेप, क्रिस क्रॉस शेप है, एक पट्टी को इस तरह से, दूसरी पट्टी को क्रॉस टाइप उसके ऊपर से। लगा लेंगे जी पिज़्ज़ा सॉस जो बाकी का अंदर। अब ये हमने बनाना है पिज़्ज़ा, साइड्स पे तो बन गई हमारी चिकन ब्रेड, और अंदर जो है हमारा पिज़्ज़ा है, और इसकी फिलिंग भी अलग है। आप चाहें तो ये सेम फिलिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने डिफरेंट फिलिंग ऐड की है। जो पहले पिज़्ज़े में मैंने बनाई थी चिकन टिक्का चंक्स, यही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और मोज़रेला चीज़ ऐड की है, और ढेर सारी, और उसके ऊपर शिमला मिर्च और प्याज और ऑलिव्स ऐड करके हम इसको बेक करेंगे।
बहुत ज़रूरी है, इससे कलर बहुत खूबसूरत सा आता है। अब इसके अंदर 160 डिग्री पे इसको हम बेक कर लेंगे लो रोट के ऊपर तकरीबन, ये भी 10 मिनट्स के लिए कुक होगा क्योंकि उसके बाद हमने अपर रोट में इसको कुक करना है तकरीबन 2-3 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स ये नीचे से कुक हो गया, मैं अपर रोट ऑन कर दूंगी और इसको तकरीबन 3 मिनट्स के लिए कुक कर लूंगी। और अब जो है ऊपर से सिर्फ हमने कलर देने के लिए इसको रोट को ऑन करना है। और ये जी हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। तकरीबन 12-15 मिनट्स लगते हैं, हर ओवन का अपना हिसाब होता है। और बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा चिकन ब्रेड और पिज़्ज़ा दोनों के मज़े लें एक ही चीज़ के अंदर। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।